अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो के अंदर आपको गाइड करूँगा कि आप थीन ऐप के अंदर कितने तरीक़ों से माइनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने जो थीन के टोकन है वो मेटामास्क में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी फीस के। तो सारा तरीक़ाकार आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फेसबुक पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो अपने एथीन के टोकन है वो 15 अक्टूबर से पहले पहले अपने जो मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद जिस भी एक्सचेंज पे ये लॉन्च होंगे वहाँ पे आपने उसको सेंड करने हैं, और तो उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे कोई न्यू अपडेट आते हो सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो उसको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने जो एथीन के टोकन है वो अपने मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने 15 अक्टूबर से पहले पहले काम करना है। उसके बाद आपको अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ीस अदा करना पड़ेगी, उसके बाद आपके जो मेटामास्क में ट्रांसफ़र होंगे। तो तरीक़ाकार आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरह अपने जो थीन के टोकन है वो अपने मेटामास्क में लेके जाने हैं। तो उसके अलावा आपको ये भी गाइड करूँगा कि आप कितने तरीक़ों से थीन के अंदर माइनिंग कर सकते हैं। तो थीन ऐप को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद तो सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि आपको ऊपर यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले इसको आपने ओपन करना है। ये आपको हर 24 घंटे के बाद मिलेगा, इसके आपने लाजमी ओपन करना है। यहाँ से आपको जिम मिलेंगे। तो जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया आपके सामने, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से ये जो बॉक्स है गैप हो चुका है। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने रिसीव आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, तो ये जिम आपने यहाँ से कलेक्ट करते जाना है। तो दूसरा तरीकाकार भी हो गया। तीसरा तरीकाकार ये हो गया, यहाँ पर आपको 24 घंटे के बाद फिर दोबारा मिल जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे आके इसको कलेक्ट करते रहना है। यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे आपने जो भी जिम होंगे उसको कलेक्ट कर लेना है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्विस्ट वाला ऑप्शन। तो तीसरा तरीका अगर आपको गाइड कर देता हूँ कि आप तीसरे तरीके से जो जिम्स है वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने डेली चेक इन लाजमी करना है। तो ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने लाजमी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको गेट रिवार्ड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से भी आपको जिम मिल जाएंगे। तो इसके अलावा डेली क्विज के बाद आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा इवेंट क्विज, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और अपना जो ट्विटर है उसके साथ उसको लिंक कर लेना है। जैसे आप लिंक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर चेक एंड गेट रिवार्ड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से भी आपको जिम मिल जाएंगे। मेरा रेडी नहीं है तो यहाँ से आप अपडेट करूँगा तो मुझे भी यहाँ पे जिम मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप वीकली क्विस्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे भी नज़र आ जाएंगे ये वाला कम्प्लीट, तो यहाँ पर मैं इसको कम्प्लीट करूँगा। तो ये भी मेरे पास ये फ्री में है सारे। यहाँ पे गेट रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे जिम मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये वाले बॉक्स आपको सारे कम्प्लीट होते हुए नज़र आ रहेंगे, ये वाले कारण पर आपको नज़र भी आ रहेंगे। तो इसके अलावा चौथा तरीका कर आपको नीचे यहाँ पे माइनिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको योर नोड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लेम वाला ऑप्शन। तो जैसे आप इस पर क्लेम करेंगे आपको यहाँ से भी जिम मिल जाएंगे। ऊपर तो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा मुझे जिम मिल चुके हैं। उसके अलावा आपने दोबारा मेन होम में आ जाना है। होम में आने के बाद होम वाले बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर पी पिक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से भी आप जो उनसे ना वो जिम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नज़र आ रहा होगा गेट रिवार्ड, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से भी आपको जिम मिल जाएंगे। अगर आपने केवाईसी की होगी तो आपने केवाईसी लाजमी कर लेनी है इस एथीन ऐप की। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये वाला गेट्स रिवार्ड वाला, इस पर भी आपने कलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने जिम कलेक्ट करते रहने हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा एक और ऑप्शन, तो HODL वाला, तो होल्ड वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कुछ जो एथीन है होल्ड करना है, यहाँ से भी आपको जिम मिल जाएंगे। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे होल्ड करें। अभी आप जस्ट आपने अपने एथीन है वो मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लें। तो जैसे आपने गेट रिवार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से भी आपको जो जिम है मिल जाएंगे। तो इसके अलावा मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद तो आप ये 6 या 7 तरीक़ों से यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप क्या होगा, जिम सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। वैलेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो जैसे आप वैलेट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास जिम शो हो जाएंगे सारे जो आपने कलेक्ट किए होंगे। तो क्या होगा, जैसे मंथ का एंड होगा तो आपके जितने भी यहाँ पे जिम होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली एथीन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे आप एथीन में ट्रांसफ़र होंगे आप अपने जो थीन है वो मेटामास्क में उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये जो आपके पास आपने सिर्फ यहाँ पे आके जिम कलेक्ट करने हैं, बाकी सिस्टम का काम है वो ऑटोमेटिकली आपको हर मंथ के बाद ना आपके जो जितने भी जिम होंगे वो सारे आपके एथीन में ट्रांसफ़र कर देंगे।
इसके अलावा आपको यहाँ पे थीन नज़र आ रहा है, इसको आपने मेटामास्क में कैसे ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ से फ्री में जो अपने जो थीन है वो मेटामास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने पी टू पी में इसको सेंड किया है, इसको आपने कैसे यहाँ पे थीन ऐप में लेके आना है उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको वॉलेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको विड्रा वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है थीन। थीन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र भी आ गया टू थीन ऐप। उसके अलावा आपने जितने भी सेंड करने हैं यहाँ पे आपने क्वांटिटी इंटर करनी है अथीन की। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जो ईमेल आपने अथीन ऐप के अंदर इंटर की हो। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे आपके जितने भी अथीन होंगे वो सारे आपके ऐप में यहाँ पर आके आपका शो हो जाएंगे। इसको आपने मेटामास्क के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विड्रा वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर करनी होगी। इसके अलावा आपने वैलेट एड्रेस इंटर करना है, जो आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो इथीन पार्थिनोन वाला आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने वो किस तरह ऐड करना है मेटामास्क के अंदर। तो सबसे पहले मेटामास्क को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एथीरियम मेन नेटवर्क वाला ऑप्शन यहाँ पर ऊपर, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर ऐड नेटवर्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको कस्टम नेटवर्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस होगा, नेटवर्क नेम, आरपीसी यूआरएल, चेन आईडी, सिंबल, उसके बाद ब्लॉक एक्सप्लोर यूआरएल, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने सारा फॉर्म जो फिल करता हूँ उसके बाद नीचे ऐड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करके आपको लाइव चेक करवाता हूँ। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सजेस्टेड नेम, तो यहाँ पे एथीन पार्थिनोन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं नेटवर्क नेम एथीन पार्थिनोन वाला हो गया। तो नीचे आपको ऐड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कन्फर्म वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्विच टू नेटवर्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो एथीन पार्थिनोन वाला नेटवर्क ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर ये शो ना हो रहा हो तो आपने इम्पोर्ट टोकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये जो टोकन एड्रेस है ना, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे नीचे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लेना अगर आपके पास इथीन नेटवर्क शो ना हो। तो जैसे इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये इम्पोर्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा इथीन नेटवर्क वाला ऑप्शन। तो इस पर इसको आपने इस तरह इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे रिसीविंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से इस एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद तो यहाँ से इसको एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं थीन ऐप को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आके आपने एड्रेस इंटर कर देना है। एड्रेस इंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर करनी है। तो जैसे मेरे पास जितने भी अमाउंट हो मैं सारे अपने जो मेटामास्क में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो इस पर मैंने मैक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। नीचे आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल पे आपने एथीन ऐप बनाई थी उस ईमेल पे आपको एक कोड और ओटीपी जाएगा, आपने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सेंड ओटीपी, इस पर आपने क्लिक करना है। तो उस ईमेल पे आपको एक ओटीपी जाएगा, आपने उस ओटीपी को कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो मुझे उस ईमेल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, वो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। तो ईमेल पे आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद तो इस तरह यहाँ से आपको मैं ओटीपी इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद नीचे आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ से जो विड्रा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, सिस्टम हैज़ बीन एक्नोलेज योर विड्रा रिक्वेस्ट एंड टेक अ फ्यू मिनट टू प्रोसेस, बैलेंस विल बी रिफंड इफ़ एनी एरर या कर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो कन्फर्म वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मेरा जो विड्रा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और ऊपर आपको यहाँ पे बैलेंस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास जीरो हो चुका है। चलो मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन कुछ पड़े हुए थे, वो अब सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जैसे मेरे पास रिसीव होंगे मैं आपको चेक करवा दूँगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास जो थीन है यहाँ पे जीरो हो चुके हैं, मैंने आपके सामने विड्रा लगा दिया। तो चलो मैं इसको ओपन करके आपको हिस्ट्री भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 143 जो थीन है ATH मैंने इसका विड्रा लगाया था, तो आपके सामने यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से जो स्टेटस है ये फिनिश हो चुका है। चलिए मैं मेटामास्क ओपन कर देता हूँ, ओपन करता हूँ उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ मेरे पास जो थीन है वो रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए। चलिए मैं मेटामास्क में आ जाता हूँ, मेटामास्क में आने के बाद तो मेटामास्क को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास जो तीन टोकन है वो यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद आपके पास जितने भी टोकन होंगे तीन ऐप के अंदर वो सारे आपके मेटामास्क में रिसीव हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जिस एक्सचेंज पे ये लॉन्च होंगे उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस एक्सचेंज पे इस टोकन को लेके चले जाना, वहाँ पर जाके आपने इसको सेल कर देना है। जैसे आप सेल करेंगे आपके पास USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी वो सारी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।